आज हम लोग कुछ MCQs करेंगे जो कि टाइपिंग स्क्रिप्ट का जो आपका पेपर आने वाला है उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो इसमें तमाम वो टॉपिक्स कवर करेंगे हम जो कि आपके पेपर में आने हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट MCQ से। व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू डिफाइन अ हेलो वर्ल्ड फंक्शन इन टाइपिंग स्क्रिप्ट? ऑप्शन ए फंक्शन हेलो वर्ल्ड। उसके बाद जो उसका सेंटेक्स है आप वो देखिए। फिर बी ऑप्शन है वाइड हेलो वर्ल्ड, बाकी का सेंटेक्स सेम है। फिर सी ऑप्शन है डेफ हेलो वर्ल्ड इन द सेम सेंटेक्स हियर। एंड डी ऑप्शन है हेलो वर्ल्ड सेम सेंटेक्स। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन, क्योंकि आपने देखा होगा जब हम फंक्शन बनाते हैं तो हम नेम फंक्शन में पहले फंक्शन मेंशन करते हैं, फिर उसको नेम देते हैं, फिर पैरेंथेसिस आता है जिसमें हम पैरामीटर्स देते हैं, और यहाँ पर हम वर्ड लिखते हैं क्योंकि ये रिटर्न नहीं कर रहा। उसके बाद कंसोल डॉट लॉग में हेलो वर्ल्ड हम प्रिंट करेंगे तो आपका आंसर हेलो वर्ल्ड आएगा। तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हाउ डू यू कंपाइल अ टाइप स्क्रिप्ट फाइल नेम्ड हेलो डॉट टी एस? ऑप्शन ए टी एस सी हेलो डॉट टी एस, बी टी एस सी कंपाइल हेलो डॉट टी एस, सी टाइप स्क्रिप्ट हेलो डॉट टी एस, डी कंपाइल हेलो डॉट टी एस। सो अगर आपने अच्छे तरीके से इसको पढ़ा है तो सब ये जानते हैं कि ए ऑप्शन इज गुड, क्योंकि टी एस सी हेलो डॉट टी एस से ही हम कंपाइल करते हैं। जो फाइल नेम अगर हेलो डॉट टी एस होगा तो टी एस सी के साथ हेलो डॉट टी एस लिख कर हम इसको कंपाइल कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट MCQs पे चलते हैं। टॉपिक है जैसन ऑब्जेक्ट्स। विच टाइप स्क्रिप्ट टाइप कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट जैसन ऑब्जेक्ट्स? ऑप्शन ए ऑब्जेक्ट, ऑप्शन बी जैसन ऑब्जेक्ट सॉरी जैसन, ऑप्शन सी एनी, और ऑप्शन डी रिकॉर्ड स्ट्रिंग एनी। ऑप्शन ए जो है ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जैसन को रिप्रेजेंट नहीं करता। और ऑप्शन बी जैसन, जैसन ये डेटा फॉर्मेट है, ये भी कोई जैसन ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट नहीं करता। एनी का मतलब है कोई भी टाइप को हम एनी में के लिए यूज़ कर सकते हैं, मतलब अगर हम एनी मेंशन करते हैं तो कोई भी टाइप हम वहाँ दे सकते हैं। सो डी ऑप्शन इज गुड ऑप्शन, रिकॉर्ड स्ट्रिंग एनी। ओके फॉर MCQs है। हाउ कैन यू पेयर अ जैसन स्ट्रिंग इन टाइप स्क्रिप्ट? आप जैसन स्ट्रिंग में टाइप स्क्रिप्ट को पार्स कैसे करेंगे? इसकी ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए जैसन डॉट पार्स, पैरेंथेसिस यहाँ पर रहेगा जैसन स्ट्रिंग आ जाएगा। बी ऑप्शन है जैसन डॉट पार्स स्ट्रिंग, फिर सेम वही सेंटेक्स है। सी ऑप्शन है जैसन डॉट टू ऑब्जेक्ट, फिर सेम वही सेंटेक्स है। और डी ऑप्शन है जैसन डॉट टू जैसन, और सेम वही सेंटेक्स है। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। जब भी हमें जैसन स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना होगा, जैसन स्ट्रिंग को जब भी हमें टाइप स्ट्रिंग में पार्स करना होगा तो हम जैसन डॉट पार्स और ब्रैकेट और उसके बाद जैसन स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे। ओके सो नेक्स्ट टॉपिक है सेंटेक्स एरर। व्हाट विल कॉज अ सेंटेक्स एरर इन टाइप स्क्रिप्ट? लेट नम और उसकी जो टाइप है नंबर है, फिर इज इक्वल टू स्ट्रिंग, फंक्शन हेलो, फिर जो फंक्शन का एक वो सेंटेक्स होता है ये तो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद कॉन्स्ट पी आई, फिर नंबर इज इक्वल टू 3.14, ये भी बिल्कुल ठीक है। इम्पोर्ट एस एफ एस फ्रॉम एफ एस। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, क्योंकि हम जब लेट यानी कि हम वेरिएबल की जब हमने टाइप नंबर दे दी तो नंबर पे हम कभी भी स्ट्रिंग को नहीं असाइन कर सकते, तो ये सेंटेक्स एरर होगा। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कोड विल जनरेट अ सेंटेक्स एरर इन टाइप स्क्रिप्ट? लेट एक्स इज इक्वल टू 10, कॉन्स्ट हेलो इज इक्वल टू पैरेंथेसिस फिर स्ट्रिंग एंड देन हेलो, लेट ए नंबर देन कोमा लेट बी नंबर देन इंटरफेस पर्सन इन ब्रैकेट्स नेम स्ट्रिंग एज नंबर। सो सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि आप एट अ टाइम लेट को
दो बार वो नहीं कर सकते एक ही लाइन में, आपको इनको या तो नेक्स्ट उसमें करना होगा, अदरवाइज कोमा के साथ आप इसको दो बार लेट को नहीं लिख